हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। हम चाहें तो इस जिंदगी को गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं और हम चाहें तो इस जिंदगी को भुनभुनाते हुए भी जी सकते हैं। हमारा जीवन प्रभु का प्रसाद है। हम चाहें तो मुस्कुराकर भी जी सकते हैं और हम चाहें तो मुंह लटकाकर भी जी सकते हैं। जिंदगी देना उसके हाथ में है, जिंदगी लेना उसके हाथ में है, पर जिंदगी को कैसे जीना, बोलेंगे आप, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। कल्पना करो कि जबान तो हमें ईश्वर ने दी है और ये काम वो 9 महीने में करके हमें सशरीर मां के पेट से बाहर निकाल देता है। न केवल जबान हमें ईश्वर ने दी है, सच्चाई तो यह है कि देखने के लिए आंख भी हमें ईश्वर ने दी है। न केवल आंख हमें ईश्वर ने दी है, सच्चाई यह है कि कान भी सुनने के लिए ईश्वर ने हमें दिए हैं, नाक भी श्वास लेने के लिए ईश्वर ने हमें दिए हैं, हाथ पांव भी चलने फिरने और कर्मयोग करने के लिए ईश्वर ने हमें दिए हैं। और खास बात यह है, आंख हो या नाक, जबान हो या कान, पांव हो या शरीर के सारे अंग, ये सब काम वो 9 महीने में बड़ी चतुराई से पूरे कर देता है। लेकिन खास बात यह है कि भगवान तो अपने सारे काम 9 महीने में पूरे कर देता है, पर इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना, यह 90 साल तक हमें सोचना पड़ता है। जबान भगवान ने दी, पर जबान से क्या बोलना है ये भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखा, ये हमारे हाथ में रखा। जीवन जीने की कला इसी का नाम है कि जो ईश्वर ने हमें दिया है हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। पांव हमें भगवान ने दिए हैं, अब ये हमारे हाथ में है। जीवन जीने की कला का फर्क यही है, पांव तो उसे भी ईश्वर ने दिए हैं जो इन पांवों से मंदिर जाता है, उसको भी ईश्वर ने पांव दिए हैं जो इन पांवों से मदिरालय जाता है। पांव दोनों को ईश्वर ने दिए, जो मंदिर जा रहा है उसको मंदिर के लिए पांव दिए, जो मदिरालय जा रहा है उसको मदिरालय के लिए पांव दिए। फर्क इस बात पर आता है कि हमने इन पांव से मदिरालय जाने का उपयोग किया या मंदिर जाने का उपयोग किया। आंख हमें भगवान ने दी है, हम चाहे तो मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हम चाहे तो थानक में जाकर महासती और सतियों के और संतों के दर्शन कर सकते हैं। और खास बात बताऊं, यही आंख है जिन आंखों से हम संतों के दर्शन भी कर सकते हैं और इन्हीं आंखों से हम किसी को आंख भी मार सकते हैं, इन्हीं आंखों से हम आंख भी मार सकते हैं। ये हम पर निर्भर है। मैंने कहा, जीवन देना उसके हाथ में है, जन्म देना उसके हाथ में है, मृत्यु उसके हाथ में है, पर हम कैसा जीवन जिए ये हमारे हाथ में है। जिंदगी कुछ भी नहीं है, केवल 3 पेज की एक डायरी है। क्या है, दिमाग में लो। जीने की कला का जब हम पाठ पढ़ेंगे, छोरो सारी बला, आओ हम सीखते हैं जिंदगी जीने की कला। और जब जिंदगी जीने की कला सीखनी है, सारी बलाएं जो जिंदगी में हमने पाल रखी है उन सब को त्याग करके आज हम जब जीवन जीने की कला का पाठ सीख रहे हैं, तो पहली बात तुम ये समझ लें, हम सबको परमपिता परमेश्वर ने 3 पेज की डायरी दी है। ध्यान में ले लो, कितनी पेज की, एक बार अपनी अंगुलियां ऊपर कर लो, कितनी पेज की? 3 पेज की। जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनी वाले तो एक एक साल की डायरियां देते हैं और ऊपर वाले ने केवल 3 ही पेज की डायरी दी। और ताज्जुब की बात है कि उस 3 पेज की डायरी का पहला पन्ना भी उसने लिख दिया, इस 3 पेज की डायरी का अंतिम पन्ना भी उसने लिख दिया, हमारे नाम केवल एक पन्ना छोड़ा है जो बीच का पन्ना है। सहज मन में प्रश्न होगा, आखिर इस 3 पेज की डायरी का रहस्य क्या है? ये जो 3 पेज की डायरी हम दुनिया में लेकर आए, आखिर इस 3 पेज की डायरी का रहस्य क्या है? हाँ मेरे भाई, मुझे भी भगवान ने 3 पेज की डायरी दी, ओसामा को भी भगवान ने 3 पेज की डायरी दी, राम को भी 3 पेज की डायरी मिली, रावण को भी 3 पेज की डायरी मिली, कृष्ण को भी 3 ही पेज की डायरी मिली, कंस को भी 3 ही पेज की डायरी मिली। सच्चाई तो यह है, महावीर को भी 3 ही पेज की डायरी मिली और गौशालक को भी 3 पेज की डायरी मिली, गांधी को भी 3 पेज की डायरी मिली और बोलो बोलो गॉडसे को भी 3 पेज की डायरी मिली। जो बोल रहा है उसके पास भी 3 पेज की डायरी है और जो सुन रहे हैं उसके पास भी केवल, और इस डायरी का पहला पन्ना है जिसे हम नहीं लिखे, पहला पन्ना लिख लिखा कर आया है और वो पन्ना है जन्म का।
हम कहाँ जन्मेंगे ये हमारे हाथ में था नहीं था, हम में से कौन काला होगा कौन गोरा होगा किसके हाथ में था, हमारे हाथ में था। प्रशांत बाबू आप खड़े होइए, तो खड़े होइए, थोड़े बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप, इतने सुंदर क्यों हैं? ऊपर वाले ने आपको सुंदर बनाया, क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं मेरी ऊपर वाले से कोई जानी दुश्मनी थी जो मुझे काला बनाए? अब आप बोलिए आप सुंदर क्यों हैं? कर्म आपके अच्छे थे, आप ये साबित कर रहे हैं मैंने पिछले जन्म कोई दुष्कर्म किए थे? चाह क्या रहे हैं? अगर कोई आदमी सुंदर है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। कोई भी काला व्यक्ति इस बात के लिए मन में गम न करे कि वो काला रह गया, कि उसकी कमजोरी है। कोई आदमी गोरा है तो अभिमान मत कीजिए, कोई काला है तो अपमान महसूस मत कीजिए। गोरा इसलिए गोरा है क्योंकि जिंदगी की पहली डायरी में भगवान ने ये लिखा कि तुम किसी गोरे माता पिता की संतान बनोगे तो आप गोरे हो गए। और अगर आप किसी काले माता पिता की संतान, दिमाग में लो जो जो गोरे लोग हैं आप में कौन कौन है गोरे लोग, हाथ खड़ा करो। तो गोरे गोरे लोग कौन है? महेंद्र जी रांका, डॉक्टर ने आपको हाथ खड़ा करने की मना नहीं की है, आप भी गोरे गट्टे। अच्छा अब याद करो कि हाँ बगल में भी तो गोरे गट्टे बैठे हैं। तो अब जरा याद करो कि आपके मम्मी गोरे थे कि पापा गोरे थे, कौन थे? पापा गोरे थे और मम्मी, हाँ बोलो बोलो, मम्मी सांवली थी, मम्मी सांवली थी। एक और दिमाग में लो, अगर पापा भी सांवले होते तो आप मेरे पास बैठे होते अभी, है ना? ये तो सुबह सुबह उठकर पापा जी के फोटो को प्रणाम किया करो, पापा जी आपकी बदौलत गोरा गट्टा हूं। हर कोई आदमी अगर कोई गोरा है तो इसकी कोई बहुत बड़ी खासियत नहीं है, और अगर कोई मेरी तरह सांवला या काला है तो उसे अपने आप को हीन मानने की जरूरत नहीं, उसके जीवन की कमजोरी है। ये डायरी का पन्ना हमारे हाथ में था ही नहीं। मैं लंबा पैदा हूं कि ठिंगना पैदा हूं ये मेरे हाथ में था ही नहीं। मैं अंबानी के घर में पैदा हूं कि मेहता के घर में पैदा हूं, कच्ची बस्ती में पैदा हूं कि अच्छी बस्ती में पैदा हूं, ये मेरे हाथ में था ही नहीं। तो जो चीजें जिंदगी में हमारे हाथ में थी नहीं, अब किसी का नाक ठिंगना है तो उसकी कमजोरी है क्या? किसी का नाक लंबा है तो उसकी कोई दिक्कत है क्या? किसी के सिर के बाल उड़ गए और किसी के घुंघराले बाल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डायरी का वो पन्ना है जो ईश्वर ने हमारे हाथ में नहीं दिया। हम कहाँ जन्मेंगे, किस कुल में जन्मेंगे, कहाँ पैदा होंगे, गोरे काले नाटे ठिंगने, किस घर में पैदा होंगे, पहला डायरी का पन्ना जन्म का किसके हाथ में? बोलो बोलो, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके। याद रख लो, ये जो प्रवचन माला है हर चीज जीवन में उतारने की है और जिंदगी भर याद रखने के लिए है। पहला डायरी का पन्ना उसने लिखा। अब एक और पन्ना है जिसे हम कहते हैं अंतिम पन्ना, उसका नाम, जब डायरी का पहला पन्ना जन्म है, मैं चाहूंगा बुद्धि लगा के बताओ तो डायरी का अंतिम पन्ना क्या होगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मरण। अगर डायरी का अंतिम पन्ना मरण है, अपन में से कोई दावा नहीं कर सकता अपन में कल सुबह कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, कल किसकी तस्वीर अखबार में आएगी और नहीं आएगी, कल किसकी तस्वीर घर में लटक जाएगी नहीं लटक जाएगी, हम में से कोई दावा नहीं कर सकता। ईश्वर ने डायरी के तीन पन्ने लिखे, पहला पन्ना है जन्म का, अंतिम पन्ना है मरण का, और ये दोनों उसके हाथ में रहे। पर खास बात जिसकी शुरुआत करने के लिए इस प्रवचन माला का श्री गणेश हो रहा है, और खास बात यह है अब हमारे हाथ में केवल एक पन्ना बचा है और वह है डायरी का बीच का पन्ना जिसका नाम है जिंदगी, जिसका नाम है जीवन। और यह पन्ना भगवान ने नहीं लिखा, यह हमें लिखना है। आप कैसे जिएंगे? आप मुस्कुरा कर जिएंगे कि मुरझा कर जिएंगे, गालियां निकालेंगे कि गीत गाएंगे, आप किसी को आंख मारेंगे या मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, आप हाथ से किसी का सहयोग करेंगे या चांटा मारेंगे, यह सब भगवान ने किसके हाथ में? हमारे हाथ में दिया। आप अपने मन में क्रोध में रहेंगे कि क्षमा में रहेंगे? हमारे हाथ में। हम हमारा स्वभाव टेढ़ा हो या सीधा हो, हमारे हाथ में। हम नेगेटिव सोचें कि पॉजिटिव सोचें, हमारे हाथ में। हम अपनी देरानी के साथ प्रेम से रहें कि झगड़ के रहें, हमारे हाथ में। हम अपने सास ससुर का सम्मान करें या उससे अलग होने की गोटियां फिट करते रहें, ये हमारे हाथ में। डायरी का पहला पन्ना उसने लिखा, डायरी का अंतिम पन्ना उन्होंने लिखा, पर डायरी का बीच का पन्ना, आज जिस प्रवचन में हम प्रवेश कर रहे हैं वो डायरी का, बोलो बोलो, कौन सा पन्ना है? कौन सा पन्ना है? बीच का पन्ना। और जिस पन्ने का नाम है जीवन जीने की कला, जिस पन्ने का नाम है हमारी जिंदगी, और ये ईश्वर ने हमारे हाथ में दे दी। तुम तुम्हारी जिंदगी कैसे जियोगे तुम फैसला करोगे। कुछ लोग होते हैं
जो एक घर में पांच लोग रहते हैं वे जिंदगी जीने की कला नहीं सीख पाते, परिणाम स्वरूप कोठी में रहने वाले लोग भी अपने घर को नरक बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो छोटे से मकान में, किराए के मकान में रहते हैं, पर सब लोगों ने जिंदगी जीने की कला सीख ली है तो वो अपने उसी मकान को स्वर्ग बना लेते हैं। हमारी जिंदगी नरक रहेगी कि स्वर्ग रहेगी, मरने के बाद क्या मिलेगा ये फैसला हम नहीं करेंगे, पर जीते जी हम अपनी जिंदगी को कितना स्वर्ग बनाएंगे, जीते जी हम अपनी जिंदगी को कितना नरक बनाएंगे ये हमारे हाथ में। मैंने कहा जिंदगी उसने दी, आओ अब जीवन का कुछ निर्माण करते हैं। और जब जीवन का निर्माण करना है तो अपनी बात की शुरुआत मैं एक कहानी से कर रहा हूं। एक युवक किसी संत महाराज के पास पहुंचा, महाराज जी को प्रणाम समर्पित करके कहा, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है। कहा, बोलो बेटा। कहा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं, मैं इतने वर्षों से आपके पास आ रहा हूं पर मैं एक बात अभी तक समझ नहीं पाया कि इंसान के जीवन का मोल क्या होता है, इंसान की जिंदगी का मोल क्या होता है, क्या मुझे बताएंगे कि हमारे जीवन का क्या मोल है। संत ने युवक के प्रश्न का जवाब देने की बजाय उसको थोड़ा और करीब बुलाया और बुलाकर अपनी पोटली को खोलकर उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर निकाल कर दिया, चमकता हुआ सा पत्थर निकाल कर दिया और कहा, ले बेटा जा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, उससे पहले तू बाजार में जाकर इस पत्थर का मोल करा के आ जा। ये जो चमकीला पत्थर है इसका मोल क्या है। युवक ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव, पर मेरे प्रश्न का जवाब मुझे जरूर देना, मैं वर्षों से आ रहा हूं अभी तक ये समझ ही नहीं पाया कि इंसान की जिंदगी का मोल क्या होता है। कहा, दूंगा भाई, पहले इसका तो मोल करा के आ, मेरा काम तू कर फिर तेरा काम मैं करूंगा। और वो युवक वो चमकीला पत्थर लेकर बाजार में गया और जैसे ही उसने नगर में प्रवेश किया कि प्रवेश करते ही सबसे पहले एक सब्जी का ठेला वाला खड़ा था, सब्जी का ठेला लगा हुआ था। उसने सब्जी वाले से कहा, भैया भैया ये जरा लियो ना, ये चमकीला पत्थर है। गुरुदेव ने कहा, इसका मोल क्या है। अब सब्जी वाले ने कहा, भाई इस चमकीले पत्थर का मोल क्या बताऊं, ये भाई अब मैं तो नहीं समझता, हाँ तू मुझे अगर देना चाहता है तो मुझे दे दे, कल तक मैं सामान्य पत्थर से सब्जियां तोल तोल कर दे रहा था, आज से मैं इससे तोलना शुरू कर दूंगा। एक काम कर, ये इतना चमकदार पत्थर है, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 किलो आलू दे दूंगा। उसने कहा, ना 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 ना, पत्थर का मोल कराना है मुझे, पत्थर देना नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है पत्थर दे के नहीं आना, केवल मोल करा के लाना है और पत्थर वापस ले जाकर मुझे देना है ये चमकीला पत्थर। ठीक है भाई, 10 किलो आलू दे दूंगा, जब इच्छा हो तो ले आना। वहां से आगे बढ़ा और चलता 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 बर्तनों की दुकान में गया और बर्तनों की दुकान के मालिक से कहा, भाई लो मैं ये गुरुदेव का चमकीला पत्थर लाया हूँ, इसके बदले में तुम क्या दे सकते हो, क्या मोल है। उसने कहा, भाई मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ पर बड़ा चमकीला पत्थर है, मैं तुम्हें इसके बदले में ये 2 किलो की तपेली पीतल की दे दूंगा। कितनी? 2 किलो पीतल की तपेली दे दूंगा। वहां से निकला और आया किसी ज्वेलर्स की दुकान में और लाकर कहा, भाई ये चमकीला पत्थर है। ज्वेलर्स ने चमकीले पत्थर को देखा, सोने चांदी का काम करता था, उसने कहा, मैं तुम्हें इसके बदले में 1 किलो चांदी दे दूंगा। और आगे बढ़ा एक सोने की दुकान में, उसने कहा, 1 किलो सोना दे दूंगा। युवक समझ नहीं पा रहा था, 10 किलो आलू से शुरुआत हुई और 1 किलो सोना इसी पत्थर का मिल रहा है। चलता 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 एक जौहरी के यहाँ पहुंचा और जाकर जौहरी साहब से कहा, जौहरी साहब ये एक चमकीला गुरुदेव का पत्थर है, इसकी मोल क्या होगी। जौहरी ने चश्मा उतारा और उसको बहुत ध्यान से यूं यूं उजाले में ले जाकर और बहुत ध्यान से चमकीले पत्थर को देखा और देखकर कहा, बैठ बैठ एक मिनट ठहर। उन्होंने चौकी के ऊपर चमकीले पत्थर को रखा, 3 परिक्रमा लगाई। क्या लगाई? क्या लगाई? 3 परिक्रमा लगाई, उस पत्थर को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, युवक तू इसका मोल करने आया है। अरे ये तो दुनिया का वो अनमोल चीज है कि जिस नगर में हम रहते हैं, मेरी संपत्ति क्या, पूरे नगर की संपत्ति एक साथ इकट्ठी कर दो तो भी चमकीले पत्थर का मोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है।
क्या कहा? दुनिया का कोई मोल नहीं, अरे पूरा नगर बेच दो तो भी इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये दुनिया का ऐसा अनमोल चीज, तू बोल क्या कीमत चाहिए, अरे जो बोलेगा वो कीमत होगी, इसकी कीमत मैं तय नहीं करूंगा, तेरे गुरुदेव से जाके बोल कि जो वो कीमत चाहेंगे वही इसके लिए अदा हो जाएगी। युवक ने पत्थर को लिया, ईमानदार था, वापस आया गुरुदेव के पास और लाकर कहा, गुरुदेव गजब हो गया है, आपने क्या गजब का पत्थर दिया है, अरे इसकी तो जहां जाओ नए नए मूल्य मिल रहे हैं। कहा मतलब कि सबसे पहले सब्जी वाले के पास गया, ध्यान से सुनना, सबसे पहले कहां गया, बोलो बोलो बोलो, सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले ने क्या कहा, 10 किलो 10 किलो 10 किलो आलू, और उसके बाद पीतल की दुकान में गया तो 2 किलो पीतल, उसके बाद इसका मोल 1 किलो चांदी हो गया, आश्चर्य गुरुदेव, उसकी अगली दुकान में गया तो 1 किलो सोना हो गया, और उसकी अगली जगह गया तो वो कहता है इसकी कीमत का मूल्यांकन करना इम्पॉसिबल, जो तेरे गुरु कहेंगे वही इसकी कीमत होगी। गुरुदेव ने कहा बस ला ये पत्थर इधर, वापस पोटली में बांधा, पीछे डाल दिया, कहा बैठ जा बस, मुझे कोई पत्थर का मूल्यांकन नहीं करना था, मुझे तो तुझे तेरे जीवन का मूल्यांकन देना था, मुझे पत्थर का मूल्यांकन नहीं करना था, मुझे तो तेरे जीवन का मुझे मूल्यांकन देना था, और तेरी जिंदगी का मूल्यांकन अब तू जानना चाहता है ना। जिंदगी सबको मिलती है, कोई इसको 10 किलो आलू में ख़त्म करता है, कोई इसको 2 किलो पीतल में ख़त्म करता है, किसी के लिए ज़िंदगी 1 किलो चांदी बनती है, किसी के लिए ज़िंदगी 1 किलो सोना बनती है, और कोई कोई होता है कोई महावीर और बुद्ध जैसा, कोई कोई होता है कोई राम और कृष्ण जैसा, कोई कोई होता है कोई जीसस और सुकरात जैसा, जो इस ज़िंदगी के इस अनमोल चीज़ को समझ जाता है और उसके पता है कि दुनिया की सारी चीज़ अगर झोंक दी जाए तब भी जीवन का मूल्यांकन नहीं हो सकता। जो जीवन इतना मूल्यवान है हमारा, बस यही है, किसी ने यही ज़िंदगी गप्पे मारने में बिताई, किसी ने यही ज़िंदगी एक दूसरे की आलोचना में बिताई, किसी ने यही जिंदगी गुस्से और आक्रोश में बिताई, किसी ने यही जिंदगी तनाव और चिंता में बिताई, किसी ने यही जिंदगी केवल संसार के भोग विलास को जीने में बिताई, और किसी ने यही जिंदगी का बेड़ा पार करके अपने आप को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मेरे भाई ईश्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉड, एक बार स्पेलिंग बोलिए तो सब बोलेंगे, गॉड की स्पेलिंग बोलो बोलो बोलो, जी, दोबारा बोलिए, जी ओ डी, क्यों जी, बराबर, ईश्वर को इंग्लिश में कहते हैं गॉड, स्पेलिंग बोलिए जी, जी ओ और डी, कुछ भी नहीं है जिंदगी, समझ लीजिए हमारे हाथ का खेल है, हम चाहें तो ये जिंदगी जी ओ डी बन सकती है, और हम चाहें तो एक और इसको पलट कर बोलो तो डी ओ जी, सब बोलो तो डी ओ जी, क्या थोड़ा सा फर्क आया है, हैं? बहुत, मैं आपसे ही बुलवाना चाहता था, बहुत फर्क आया है, बस जिंदगी कुछ नहीं है, ईश्वर ने हमारे हाथ में जिंदगी की स्पेलिंग दी है, हम चाहें तो इस जिंदगी को जी ओ डी बना सकते हैं हमारे हाथ में। सच्ची कहता हूं, महावीर कोई जन्म से भगवान बनकर नहीं आए थे, पारसनाथ कोई जन्म से भगवान बनकर नहीं आए थे, राम कोई जन्म से भगवत्ता लेकर नहीं आए थे, इन महापुरुषों ने अपनी जिंदगी को जी ओ डी बनाया तो ये दुनिया के भगवान बन गए, और वहीं जब लोग अपनी जिंदगी को पलट कर जी लेते हैं, जी ओ डी को डी ओ जी बना लेते हैं, जिसने जिंदगी को जी ओ डी बनाया वो राम बन गए, और जिन्होंने जिंदगी को डी ओ जी बनाया वही दुनिया में रावण बन गया। स्पेलिंग वही है, जिंदगी वही है, जीने की शैली में फर्क आ गया, जीने की कला में फर्क आ गया, एक दुनिया में पूजा जाता है एक दुनिया में फूंका जाता है, फर्क मैंने कहा ना, अलग अलग मूल्यांकन है इस चमकीले पत्थर का, अलग अलग मूल्यांकन है इस चमकीले पत्थर का, कोई व्यक्ति इसी को संयम में जीता है, कोई व्यक्ति इसी को त्याग में जीता है, कोई व्यक्ति इसी को परमार्थ जीता है, कोई व्यक्ति इसको जन कल्याण में जीता है, कोई व्यक्ति इसी जिंदगी को भलाई के लिए जीता है, कोई व्यक्ति इसी जिंदगी को दुनिया के कल्याण करने के लिए जीता है, और कोई व्यक्ति स्वार्थ हो या परमार्थ, जीवन के ही दो हिस्से हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जीवन के ही दो हिस्से हैं, क्रोध हो या क्षमा, जीवन के ही दो हिस्से हैं, और फैसला हमें करना होता है कि हमें क्या बनना है। खास बात देखो, जो राशि राम की थी, रावण की वही राशि है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो,
अगर आप राशि से जीवन का मूल्यांकन करना चाहेंगे कि इसकी राशि जन्म पत्री में कैसी है और ये बच्चा ऐसा ही होगा, तो मैं आपको बता दूं, राम की राशि भी वही थी और रावण की राशि भी वही थी। खास बात देखो, कृष्ण की राशि भी वही थी और कंस की राशि भी वही थी। खास बात देखो, गांधी की राशि भी वही थी और बोलो 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 गोडसे की राशि भी वही थी। जन्म पत्रियों की राशियों से इंसान की जिंदगी का निर्माण नहीं होता। जब इंसान अपनी जीवन जीने की शैली को परफेक्ट कर लेता है, ठीक कर लेता है, 100% ओके कर लेता है, तब वही इंसान दुनिया में राम बन जाता है और वही गिरा हुआ इंसान दुनिया में रावण बन जाता है। तो एक बात तय समझ में आ गई कि नहीं, कि राम बनना भी किसके हाथ में? बोलो 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 बोलो, गर्दन हिलाकर बोलो, किसके हाथ में? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। और रावण बनना भी हमारे हाथ में है ना। पति से प्रेम से बोलना भी, बोलो बोलो बोलो, हमारे हाथ में। और झगड़ कर बोलना भी हमारे हाथ में। सास ससुर का सम्मान करना भी हमारे हाथ में। उनसे अलग होना भी हमारे हाथ में। बहुओं को प्रेम देना भी हमारे हाथ में। और दिन भर उन पर टी 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 करते रहना भी। पशु हो या प्रभु, ये दोनों ही जिंदगी के दो रूप हैं, समझ लीजिएगा। पशु हो या प्रभु, दोनों की राशि एक ही है। दोनों ही प से शुरू हो रहे हैं, पर ये दोनों हमारे हाथ में हैं। हम अपनी जिंदगी को प्रभुता की ओर लेकर जाते हैं या हम अपनी जिंदगी को पशुता की ओर लेकर जाते हैं, ये दोनों हमारे हाथ में हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाई तक लेना चाहता है, जीवन को स्वर्ग बनाना चाहता है, देखो मेरे भाई, एक बात तो तय मानकर चलना, हम जब दुनिया से जाएंगे ना, पहले एक बार अपने आप से पूछो, हे जीव, तू जाएगा कि दरिद्र रहेगा? पूछो पूछो, एक बार बूढ़ा आदमी भी पूछ ले और एक बार जवान व्यक्ति भी पूछ ले, हे जीव, तू ऊपर जाएगा कि इधर ही रहेगा? क्या जवाब है? जाएगा कि रहेगा? पक्की बात है, पक्की बात है। कोई ऐसा हो जिसका फैसला हो मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो हाथ खड़ा कर दो, जाना सबका तय है। देखो जिंदगी बड़ी गजब की होती है। एक छोटी सी जिंदगी में हम कितनी माथाफोड़ी, छाती कूटे, सिरपच्चियां पैदा कर लेते हैं, कितने झगड़ पाल लेते हैं, कितने कलह के वातावरण पैदा कर लेते हैं, कितने वैर विरोध पाल लेते हैं, कितनी बोलचाल बंद कर लेते हैं, कितना आना जाना बंद कर लेते हैं, कितनी जिंदगी में खिंचाव और दूरियां बढ़ा लेते हैं। छोटी सी जिंदगी, सोमवार को तो आदमी जन्मता है, देखो है कितनी सी जिंदगी, सोमवार को तो आदमी जन्मता है और मंगलवार को स्कूल जाता है और बुधवार को उसकी शादी हो जाती है। वापस ध्यान में ले लो अपन सभी की जिंदगी, सोमवार को आदमी जन्म लेता है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से करो, ठीक है ना? सोमवार को आदमी जन्म लेता है, मंगलवार को, अब आप बोलते रहो, स्कूल जाता है, बुधवार को शादी करता है, गुरुवार को टाबर पैदा करता है या टाबर पैदा हो जाते हैं, शुक्रवार को बूढ़ा हो जाता है, शनिवार को बीमार पड़ जाता है, अब आप सब मिलकर बोलेंगे रविवार को राम राम। और जब पता है कि इन 7 दिन के अंदर इंसान की पूरी जिंदगी, किसी की सोमवार से शुरू होती है, किसी की मंगलवार से शुरू होती है, शुरू भी इन्हीं 7 वारों में होती है और पूरी भी इन्हीं 7 वारों में होती है। जब 7 ही वारों में जिंदगी पूरी होनी है, कितने वारों में? 7 ही वारों में जिंदगी पूरी होनी है, तो कितने जकार इंसान पालेगा, कितनी माथाफोड़ियां इंसान पालेगा, कितनी सिरपच्चियां इंसान पालेगा? किस लिए आदमी माथाफोड़ी करता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इंसान का जन्म 3 चरणों में होता है। नंबर 1, माता पिता के द्वारा पहला जन्म। एक ही जन्म में हमारे 3 जन्म होते हैं। इंसान का पहला जन्म होता है माता पिता के द्वारा, जिनसे हमें शरीर मिलता है। इंसान का दूसरा जन्म होता है गुरु के द्वारा, जिससे जीवन कैसे जिया जाए इसका रास्ता मिलता है। और इंसान का तीसरा जन्म होता है अपने आप के द्वारा।
माता पिता का जन्म कैसे कहां होगा हमारे हाथ में नहीं, पर हम अपना जन्म कैसे करेंगे। दुनिया में हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। वो गीत भी है ना, मेरा नाम करेगा रोशन दुनिया में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। तो हर इंसान चाहता है मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे, पर मैं आपको बता दूं दुनिया में वे ही लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाते हैं जो खुद रोशनी में जिया करते हैं। जो खुद प्रकाश और रोशनी में जिया करते हैं वे लोग ही अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सकते हैं, वे लोग ही अपने माता पिता के नाम को चमका सकते हैं, वे लोग ही जीवन को ऊंचाइयां दे सकते हैं। अरे मेरे भाई जिंदगी ऐसी जियो, अरे मेरे भाई जिंदगी ऐसी जियो कि जहां तुम रहो वहां सब तुम्हें प्यार करे। क्या करे? जिंदगी ऐसी जियो कि जहां आप रहो वहां सब तुम्हें प्यार करे। नंबर दो, जिंदगी ऐसी जियो कि जहां से आप चले जाओ वहां सब आपको याद करे। और नंबर तीन, जिंदगी ऐसी जियो कि जहां आप जाने वाले हों वहां सब आपका इंतजार करे। जहां रहो वहां सब तुम्हें प्यार करे, जहां से चले जाओ वहां सब तुम्हें याद करे, और जहां तुम जाने वाले हो बोलो 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 वहां सब आपका इंतजार करे। चलो मैं देता हूं आपको जीवन के छोटे 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 पांच मंत्र। वे मंत्र की जिन मंत्रों से हम अपने मन की शांति भी पा लेंगे, वे मंत्र की जिनसे हम अपने जीवन की माथापोड़ी का एंड भी कर लेंगे, वे मंत्र के जिन मंत्रों से हम अपने जीवन की छाती कूटे से फ्री भी हो जाएंगे। मानकर चलना दुनिया में 90% छाती कूटे ऐसे होते हैं जो हमें ऊपर वाला नहीं देता, जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं। जीवन के 90% झगाड़ ऐसे होते हैं, सिरपच्चियां ऐसी होती है, माथाफोड़ी ऐसी होती है जिन्हें हम पैदा नहीं करते। कौन पैदा करता है? जिन्हें ऊपर वाला पैदा नहीं करता, हम खुद पैदा करते हैं अपने हाथों से, अपने इर्द गिर्द के वातावरण से हम अपने जीवन में बेवजह के झकाल पैदा करते रहते हैं। आप में कौन कौन लोग हैं जो सीए एमबीए या यहां तक की पढ़ाई किए हुए, एक बार हाथ खड़ा करो तो। जो पोस्ट ग्रेजुएट है, हाँ इतने सारे, प्रभु जी आ गया हो तो पीली शर्ट वाले, हाँ प्रशांत जी आप भी आगे आ जाइए, महावीर जी आपने भी हाथ खड़ा किया ना, आगे आ जाइए। कोई ऐसे भी चार लोग होंगे जो मेरी तरह कम पढ़े लिखे हैं, दसवीं बारहवीं तक के हैं, कौन कौन है हाथ खड़ा करो। हाँ वे चार लोग आ जाओ जो दसवीं बारहवीं तक पढ़े हुए हैं, दसवीं बारहवीं आठवीं नौवीं आ जाइए। अच्छा तो एक बात बताइए प्रभु जी, आप कहां तक पढ़े हुए हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या पढ़ा है आपने? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस एमबीए किया है आपने, ठीक है ना। ये दादाजी आप कहां तक पढ़े हुए हैं? मैट्रिक फेल बीए वालों को पढ़ाता हूं। मैट्रिक फेल हूं बीए वालों को पढ़ाता। मतलब आप मेरे भी बाप निकले। सच्चाई ठीक है, कोई बात नहीं। अपने अपने, अब ये लोग उठ उठ के आएंगे ना तो अपने अपने अनुभव की बातें निकलेंगी, हालांकि इनके बच्चों के अगले नहीं उतरता होगा कि पापा जी हमें पढ़ा सकते हैं। ठीक है भैया, आप एमबीए पास है, बताइए आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आता है। आता है। बगल वालों को माइक दीजिए। प्रभु जी आप क्या पढ़े हुए हैं? महावीर प्रभु, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। इंजीनियरिंग, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है। बगल वालों को दीजिए, आप कहां तक पढ़े हुए हैं? एमबीए। एमबीए, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। इनको दीजिए, आप कहां तक पढ़े हुए हैं? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट है, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। ये चारों पढ़े लिखे लोग हैं, इनको गुस्सा आता है और चारों ही जवान है, ठीक है ना। अब इनको दीजिए जो बारहवीं दसवीं आठवीं तक पढ़े हुए हैं। हाँ दादाजी आपको गुस्सा आता है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आता है, आता है। यस नो में जवाब दीजिए। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा नहीं होता। आता है मीन्स आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। मैंने शादी नहीं की तो नहीं की, अब ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी की, थोड़ी थोड़ी नहीं की, नहीं की तो नहीं की, परफेक्ट है, 100% ओके है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा में सब गड़बड़ हो जाता है, या तो इस पार जिंदगी जियो या इस पार जिंदगी जियो, दो नाव में सवार हो गए, न तो राम मिलेगा न रमा मिलेगी, ठीक है ना। अब उनको दीजिए। प्रभु जी आपको आता है? आता है। और इन दादाजी को थोड़ा ज्यादा ही आता है लग रहा है चेहरे से, ठीक है। अच्छा
अब देखिए फर्क क्या हुआ। जिंदगी जीने की कला की बात मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं। ये चार लोग ऐसे आए जो 10वीं 8वीं 12वीं 11वीं तक पढ़े हुए हैं। ये चार पांच लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन सब से मैं कहूंगा कि अपने आप से प्रश्न पूछो। जो 10वीं पढ़े हैं उनको भी गुस्सा आता है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है MBA इंजीनियर CA है उनको भी गुस्सा आता है। तो हमारी पढ़ाई ने हमको क्या दिया? प्रश्न अपने आप से पूछे भाई। फिर हम 10वीं पढ़ते तो भी वहीं थे, गुस्सा करते थे। हमने MBA किया तभी भी हम गुस्सा कर रहे हैं। तो एक बार हर महिला भी अपने भीतर प्रश्न उठाए। सासू माँ को गुस्सा आ रहा है जो 8वीं फेल है, और बहुरानी जो ये दम्भ भर रही है कि मैं MBA CA और ये सब पास हूं, उसको भी गुस्सा आ रहा है। अब जरा समझो कि पढ़ाई में और कम पढ़ाई में फर्क क्या रहा? कुछ भी तो फर्क नहीं रहा। और ऐसा भी आप दावा नहीं कर सकते आप ज्यादा कमा रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी घनश्याम दास बिरला कमा गए, धीरू भाई अंबानी कमा गए, और मैं बिना पढ़ा हुआ प्रवचन दे रहा हूं, तो ये भी अपन दावा नहीं कर सकते कि पढ़ा लिखा आदमी आगे बढ़ता है। तो मेरे भाई, पढ़ाई का उपयोग जिंदगी के लिए कीजिए। एक कम पढ़ा लिखा आदमी गुस्सा करे तो बात जमती है, ध्यान रखना। पर एक पढ़ा लिखा आदमी गुस्सा करे ये बात गले नहीं उतरती। और अगर गुस्सा आ रहा है तो सोचो आपको आपकी पढ़ाई ने क्या दिया। मैं अपने आप से पूछूं, ये डॉक्टर शांतिप्रिय जी अपने आप से पूछे, चंद्रप्रभ जी अपने आप से पूछे, और ललित प्रभ अपने आप से पूछे, और आप अपने आप से पूछिए कि हम इतने ज्ञान तक पहुंचे, हमारे ज्ञान ने हमें डिग्री के अलावा क्या दिया। मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछेंगे। हां, एक नौकर जो हमारे यहां काम कर रहा है उसको गुस्सा आए तो बात जमती है, पर एक सेठ को भी गुस्सा आ रहा है तो दोनों एक ही माजने के हो गए ना। फर्क क्या रहा? नौकर ने भी टेढ़ा बोला, नौकर ने बोला टेढ़ा, और सेठ भी बोल गया वापस टेढ़ा, तो दोनों में कोई फर्क रहा? फर्क रहा? जिंदगी जीने की कला इसी का नाम है कि सामने वाला टेढ़ा है तब भी हम सीधे हैं, सामने वाला चिड़चिड़ा है तब भी हम मीठे हैं, सामने वाला क्रोधी है तब भी हम शांत हैं। इसी का नाम जिंदगी जीने की कला है। और पढ़ा लिखा हर युवक अपने आप की ओर एक बार अंगुली उठाकर कहे कि तू MBA है, तू CA है, तू डॉक्टरेट है, तू PhD है, एक बार अपने आप से पूछ कि तेरी जिंदगी में और तेरी दादोसा की जिंदगी में क्या फर्क रहा। जब वो जवान थे तब वो भी गुस्सा करते थे, आज तू जवान है तो तू भी गुस्सा कर रहा है, तो पढ़ ले लिखने क्या क्या फर्क पड़ा? क्यों, जो मैंने कहा वो प्रश्न आपके भी दिल में उठ रहा है? उठ रहा है ना? तो घर पे जाके मूल्यांकन करना, क्या मुझे अपने पढ़ाई का परिणाम पाना है? है तो दादू सा गुस्सा करे ना, तब ये समझना ये 8वीं तक पढ़े हैं इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। मैं MBA हूं, मैं गुस्सा बोलो 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 नहीं करूंगा। और जिस दिन ये समझ में आ गया नहीं करूंगा, उस पढ़े लिखे आदमी को जीवन जीने की कला हाथ लग गई। सिट डाउन प्लीज, विराजिए प्रभु जी। गांव के किसान को हीरा मिला, सब पढ़े लिखे लोगों के नाम ये कहानी, सब पढ़े लिखे लोगों के नाम ये कहानी। गांव के किसान को हीरा मिला, समझता नहीं था बेचारा कि हीरा है, उसने समझा यही कोई चमकीला पत्थर है, और वो लेकर चला गया गांव में, और जाकर किसी ज्वेलरी की दुकान में गया, और ज्वेलरी की दुकान में जाकर कहा भाई साहब इसका मोल क्या है? तो जाके कहा भाई साहब ये पत्थर देखो ना, चमकीला पत्थर, इसकी कीमत क्या है? ज्वेलर्स ने सोचा ये एक नंबर का डब्बू है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या है। उसने कहा तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। उस आदमी के मन में आया एक बार कहीं और भी पता कर लूं, एक बार कहीं और भी पता कर लूं। उसने कहा भाई साहब और ज्यादा नहीं देना हो तो ले, 1000 रुपया दूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं। तो उसने कहा भाई और भी कहीं पता कर, वो अगले कहीं गया, उसने उसको 2000 रुपये दे दिए। तो उसने सोचा इसका मतलब धंधा अच्छा हो रहा है, वो तो 1000 दे रहा था ये 2000 दे रहा है। उसने उसको वो चमकीला पत्थर दे दिया। वापस जब आया तो उसने ज्वेलर्स ने रोका, ओ सुन 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 वो कहाँ है तेरा? उसने कहा वो तो बेच के आ गया, कितने में? कि 2000 में। अरे मूर्ख, वो 2000 का नहीं 2,00,000 का था। क्या था? 2000 का नहीं 2,00,000 का था। उस गांव के किसान ने कहा पहले ये सोच मूर्ख मैं हूं कि तू है, मैं तो जानता नहीं था कि 2,00,000 के, तू जानता था तो भी ले नहीं पाया। मूर्ख मैं हूं कि तू है, पहले ये सोच
मैं तो जानते ही नहीं था, मैं तो 2000 में बहुत में लाया हूं। मुझे तो लग रहा है यार गजब की किस्मत खुल गई कि 2000 रुपये मिल गए। खेत में तो पत्थर निकला था। मूर्ख तो असली तू है भाया, तू जिसको पता था कि ये 2 लाख का है कि 5 लाख का है, तब भी इसका मूल्यांकन जिंदगी में नहीं कर पाया। सीधे साधे 5 मंत्र जिंदगी के लिए। और जिंदगी के लिए जो पहला मंत्र आपको देना चाहूंगा वो है, जिंदगी को प्रसाद बनाइए, विषाद मत बनाइए। दिमाग में ले लो, जीवन जीने की पहली कला दिमाग में ले लो, थोड़ा सा अपने आप को हिला के ले लो कि हाँ अंदर उतर रहा है कि नहीं, ये है दी भीतर में उतार कर भीतर ले लो। जीवन जीने की पहली कला है जिंदगी को, बोलो बोलो क्या बनाइए, क्या बनाइए, जिंदगी को प्रसाद बनाइए, कभी भी इसको विषाद मत बनाइए। ये हमारे हाथ में है हम जिंदगी को कैसे जिए, ये हमारे हाथ में है हम रिश्तों को कितना मीठा बनाएं, हम हमारे हाथ में है कि हम अपनी सास बहू के संबंधों को कितना मिठास से घोल कर रखें या कितने टेढ़ेपन से रखें। अरे छोटी मोटी बातों को लेकर हम घर में कलह कर लेते हैं, यानी विषाद, जहर बना लेते हैं यानी विषाद, हम अपनी जिंदगी को नरक बना लेते हैं यानी विषाद, हम अपने हाथों बना लेते हैं। अरे सोचो तो सही, जिस बहू को आप बैंड बजाकर लाए थे, क्यों जी मनोतियां मांग कर लाए थे, 26 साल का बेटा हो गया था, महाराजों को कहते बाप जी आशीर्वाद दो हमारे बेटे रो ब्याह हो जाए, नाकोड़ा बिरजू किया गए जाके कहा बाप जी हमारे बेटे रो ब्याह हुए तो थोड़ा प्रसाद चढ़ाओ, रामदेवरा गए जाके कहा बाप जी मारो बेटो 26 साल हो गया ब्याह हुए तो प्रसाद चढ़ाओ। रिश्ता तय हुआ, बैंड बजाकर गए थे बहू को लेने के लिए, लेकिन जीवन जीने की कला हमारे हाथ में नहीं थी, जिंदगी को प्रसाद बनाना हमें नहीं आता था, तो परिणाम ये निकला कि जिस बहू को हम बैंड बजाकर लाए थे आज हम उसका बैंड बजा रहे हैं। हम लाए तो थे बैंड बजाकर पर हम उसका ही बैंड बजाने लग गए क्योंकि हमारी थिंकिंग हम सही नहीं रख पाए, हम जीवन को प्रसाद के बजाय विषाद बना बैठे। समझो सासू माँ ने थोड़ा सा टोक दिया, क्या है प्रसाद क्या है विषाद, सासू माँ ने थोड़ा सा टोक दिया। देखो भी एक बात तो तय मानकर चलना, सास अगर शक्कर की हो तो भी टक्कर तो मारेगी। आप सोचो मैं बढ़िया से बढ़िया सास खोज कर लाऊं, बढ़िया से बढ़िया सास, सास अगर शक्कर की बना दोगे मीठी मीठी तब भी क्या क्या मारेगी, टक्कर तो कभी ना कभी मार ही देगी। इसलिए हमारे सामने 2 विकल्प, सासू मां ने हमें टोका, टोका तो हम 2 चीज सोच सकते हैं, नंबर 1 ये हर समय क्या टोकती रहती है, और नंबर 2 कोई बात नहीं देखो विषाद कब होगा, मम्मी जी क्या नेचर है जब देखो तब टोकती रहती है, ये कोई तरीका है, अरे मेरी मां ने मुझे आज तक नहीं टोका, ये तो जब देखो तब, ये मत करो वो मत करो, सिर ढक कर रहो बाहर मत जाओ, ड्रेस मत पहनो और बाहर जाओ तो ये वाली जींस मत पहनो, ये मत करो वो मत करो, बात बात में टोका टोकी कर रही है। मेरे भाई जब आप सासू माँ के टोकने को बुरा मानेंगे तो जीवन विषाद बन जाएगा, और जब सासू माँ के टोकने को आप अपने भलाई का निमित्त मानेंगे तो जीवन आपका प्रसाद बन जाएगा। यहां से जा रहे हैं आप सड़क पर, चौराहे पर पहुंचे, अचानक लाल बत्ती जली, इतना सा बताओ आपको हवाई अड्डे पहुंचना है, यहां से बहुत दूर है ना, 30-40 किलोमीटर है, और आपको लग रहा है कि अब आपके पास केवल 1 घंटे का समय है, आपको हर हालत में पार करना है नहीं तो आपकी टिकट बेकार, और वहां पहुंचना बहुत जरूरी, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी तेज गति से चलाएंगे, 80 की स्पीड में चाहेंगे, 100 तक बढ़ाना चाहेंगे, और जैसे ही आप पार करने वाले थे चौराहा के, अचानक सामने आगे लाल लाइट, अब आपको क्या लगेगा, बोलो बोलो बोलो, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, पुरुष लोग बोले अचानक लाल लाइट आई तेज गति से, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, मुझे केवल इतना सा बताइए आपको बुरा तो लगा पर ये लाल लाइट आपको मारने के लिए जली है या बचाने के लिए जली है, बोलो। मेरी अच्छी प्यारी छोटी बहनों जीवन भर ध्यान रखना, सासू माँ का टोकना, आप में कितनी सासू माँ आते हैं हाथ खड़ा करो तो, हाँ 50% है, हाँ बहुमे ज्यादा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो सासू माँ का टोकना चौराहे की लाल बत्ती का जलना है, स्टॉप। पर ध्यान रखिए
बड़े बुजुर्गों का टोकना टोकना नहीं होता, लाल बत्ती का जलना होता है। और चौराहे पर जलने वाली लाल बत्ती आपको बचाने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। सासू माँ का टोकना जब हम बुराई में लेंगे तो मन में विषाद होगा, और जब हम भलाई में लेंगे तो मन में प्रसाद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, हमारे पूज्य माता जी महाराज थे, उनके जब वो घर में थे ना, फिर वो साध्वी बन गए, करीबन 42-43 साल पहले उन्होंने दीक्षा ली और 2 साल पहले उनका देह विलय हुआ। पर मैं आपको बताऊं, जब वो संसार की दुनिया में थे तो उनके 4 तो उनके जेठानियां थी और 3 उनके देरानियां थी, तो कुल कितने हुए? तो वो खुद कहां गए, 8 हो गए ना, 4 जेठानियां 3 देरानियां, एक वो 8। पहले क्या है, लोगों के टावर होलसेल में पैदा होते थे, अब ये इक्के दुक्के तो अब पैदा होने शुरू हुए हैं। हमारे पिताजी 8 भाई और 2 बहनें थी, आप में भी कई होंगे ना जिनके 1 भाई 2 भाई 5 भाई 7 भाई, है ना, बड़े लोगों के थे। तो हमारे माताजी के 4 जेठानियां 3 देरानियां, पर हमने पूरी जिंदगी में हमारी माँ को, मैं बता रहा हूँ एक अनपढ़ व्यक्ति भी, हमारे माताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 4th क्लास तक पढ़े थे। पहले के बड़े बुजुर्ग माताएं 3rd-4th तक स्कूल जाती थी, उसके बाद तो 13-14 साल में तो उनकी ब्याह शादियाँ ही निपट जाया करती थी। तो हमारे नाना जी जो थे वो तो देश के सबसे बड़े विद्वान आदमी थे, अगरचंद जी नाहटा, पूरे देश में उनका नाम चलता था, जिन पर अब तक 100 लोगों ने PhD कर ली, देखो 100 लोगों ने उन पर PhD कर ली, वो 3री फेल थे, ठीक है। और हमारी माताजी महाराज 4th तक पढ़ी हुई थी, तो उनको हमने कभी गुस्से में देखा ही नहीं, और जब गुस्से में नहीं देखा तो हमने रोज पूछते, माताजी महाराज एक बात बताओ, आपको गुस्सा नहीं आता? हम भाइयों में से कोई भाई दावा नहीं कर सकता कि किसी ने भी माँ के हाथ का चांटा खाया, क्यों बाप जी? अपन ने किसी ने माँ के हाथ का चांटा नहीं खाया ना, आशीर्वाद पाया। हाँ, हमारे पिता ने कमी पूरी की थी इसकी, पर हमने हमारे माँ का हाथ का कभी चांटा नहीं खाया, ठीक है ना। तो पिता तो सबकी कमियां पूरी करता ही है, हमने जिंदगी में कभी माँ के हाथ का चांटा क्या, डांट भी नहीं खाई, कभी टोका भी नहीं, जो करो सो करो। तो हम उनको रोज पूछते, माता जी महाराज आपके 4 तो जेठानियां होलसेल में, 3 देरानियां हैं, 4th आप खुद हैं और ऊपर से सासू माँ और हैं, कभी आपको किसी बात पर गुस्सा क्यों नहीं आता? तो उन्होंने जीवन का राज बताया, कम पढ़ी लिखी हमारी माता जी महाराज ने हमें जीवन का ये राज बताया, जिसको जीवन में अमल में लाने के बाद हमारे जीवन का विषाद हट गया और जीवन पूरा प्रसाद बन गया। और उन्होंने जीवन का रहस्य ये बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरी जेठानियां मुझे टोकती बोलती डांटती या किसी बात के लिए कुछ कहती तो मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता, मेरे मन में आता ये बड़े हैं, अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा। आज समझ लो चंद्रप्रभ जी मेरे बड़े भाई हैं और ये उन्होंने मुझे किसी बात के लिए टोक दिया, अब मेरे पास 2 विकल्प हैं, मैं प्रसाद भी मानूं और विषाद भी मानूं। नंबर 1 ये मुझे टोकने वाले कौन, नंबर 2 अब बड़े भाई हैं वो भी नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा। जिंदगी में सोचने का तरीका यही तो है जिससे जिंदगी विषाद भी बनती है और प्रसाद भी बनती है। तो माता जी महाराज कहते कि जब बड़े मुझे टोकते तो कुछ बुरा नहीं लगता, मन में आता भाई बड़े हैं अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा, और अगर छोटे कोई गलती करते तो मुझे बुरा नहीं लगता। अरे भाई अब छोटी है, कल तो बेचारी शादी करके आई है, अब इससे गलती नहीं होगी तो किससे होगी। सासू माँ टोके तब ये सोचो कि बड़े हैं, बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेंगे, और बहू से गलती हो जाए तो ये सोचकर माफ कर दो, बच्ची है अब बच्ची से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। और जैसे ही ये मंत्र आप अपनी जिंदगी में जी लेंगे ना, देखो मेरी अच्छी बहनों, यहां पर तो जो हम सामायिक कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, यहां पर जो सामायिक कर रहे हैं वो सामायिक की आराधना है, और घर पर जाकर विपरीत वातावरण आने पर भी हम अपने मन में शांति और धैर्य को बरकरार रख लें, ये सामायिक की साधना है। यहां जो हम कर रहे हैं ये सामायिक की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पर घर पे गए और जाके देखा कि बहू रानी दूध गर्म कर रही है और दूध उफन रहा है, उस समय भी आपके मन में तूफान पैदा न हो, इसका नाम सामायिक है। तो जीवन हमारे हाथ में है, हम चाहे तो इसे प्रसाद बनाएं, हम चाहे तो इसे विषाद बनाएं, जिंदगी कुछ नहीं है, कोरा कागज है। याद रखना, दुनिया में कोई भी रेनबो लाल कलर से नहीं बनता,
दुनिया में कोई भी रेनबो ब्लू कलर से नहीं बनता, दुनिया में कोई भी इंद्रधनुष हरे रंग से नहीं बनता, दुनिया में कोई भी इंद्रधनुष काले रंग से नहीं बनता। जिंदगी को विषाद नहीं प्रसाद बनाइए, और ये बात सीखिए जिंदगी में कि इंद्रधनुष किसी एक रंग से नहीं बनता, इंद्रधनुष जब भी बनता है तो सारे रंगों के मिलने से बनता है। और जिंदगी ऐसी है, केवल आदमी सोचे मैं बस बच्चों पर अनुशासन करता ही रहूं, मैं उन्हें डांटता ही रहूं, मैं टोकता ही रहूं, बच्चों पर नजर डालता ही रहूं। मेरे भाई, जो लोग बच्चों पर नजर डालते हैं, एक बार अपने आप पर नजर डाले तो पता लगेगा हमारे बच्चे हमसे कहीं अच्छा जीवन जी रहे हैं। मैंने कहा जीवन को विषाद मत बनाइए, छोटी छोटी बातों में टेंशन मत लीजिए। पति ने टोक दिया टोक दिया, बोल दिया बोल दिया, पत्नी से गलती हो गई हो गई। कोई महीने दो महीने में एक बार आप गुस्सा करेंगे तो गुस्से का प्रभाव रहेगा, पर अगर आप रोज रोज गुस्सा करेंगे तो फिर प्रभाव खत्म हो जाएगा। घरवाली कहेगी ठीक है अब मेरी आदत है, बों बों करता रहे, गया वाह शांति हुई वाह हुई। अब वो उनको भी रोज की आदत पड़ गई कि इनकी आदत है ये ची ची करती हैं, ये बों बों करती हैं, माथापोड़ी करती हैं, सिरपच्ची करते हैं, और ये माहौल बिगाड़ के चले जाते हैं। देखो मेरे भाई, ध्यान रखना, जो लोग जिंदगी को प्रसाद मानते हैं ना, जो जिंदगी को मुस्कान से जीती है ना, जो जिंदगी को मिठास से जीती है ना, उनकी धर्म पत्नियां शाम को 9 बजे घड़ी देखा करती है, क्या बात है अभी तक नहीं आए। ओहो बेटा पापा को फोन कर यार, 9:15 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए, मोबाइल लगा, क्या बात है। अगर आप जिंदगी को प्रसाद बना रहे हैं तो घर के लोग शाम को 9 बजे घड़ी देखेंगे, और अगर आप जिंदगी को विषाद बना रहे हैं, हाका हुका हो अल्लाह कर रहे हैं, तो घर के लोग सुबह 9 बजे घड़ी देखेंगे। कहीं बात है, बाप जीरो प्रोचन समय तो हो, पापा जी गया क्यों को नहीं अभी तक, है दुकान गया क्यों, टाबर पूछते हैं क्या बात है, मम्मी आज पापा जी खिसक क्यों नहीं रहे, निकले क्यों नहीं है। जाने की इंतजारी है कि आने की इंतजारी है, फैसला आपको करना है। तो मैंने कहा छोटी छोटी बातों में घर में माथा फोड़ी, हाँ कभी कोई महीने दो महीने चार महीने में, बाकी बोल दिया बोल दिया। हम एक कॉलोनी में थे तो बताया गया कि एक महानुभाव अपने घर में रहते हैं, पति पत्नी, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, जब देखो तब हंसते रहते हैं, कभी उनके घर से हंसी की आवाज आती, कभी उनके पति की हंसी की आवाज, कभी पत्नी की आवाज, पर दोनों की कौन सी आवाज आती, कौन सी आवाज आती, हंसने की आवाज आती, पत्नी के भी हंसने की आवाज, पति के भी हंसने की आवाज। तो एक दिन सारे कॉलोनी वालों ने उन्हें लिया और हमारे पास आए और आकर कहा बाप जी एक बात बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये भाई साहब के घर में गजब की रीत है, इनके घर में हमेशा हंसने की आवाज आती है, सुबह पत्नी के हंसने की आवाज, दोपहर में पति के हंसने की आवाज, फिर शाम को पति के हंसने की आवाज, फिर सुबह पत्नी के हंसने की आवाज, अरे इनके घर में कभी रोने की आवाज आती नहीं, हम सबके घरों में आती है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब इसका राज क्या है, कहने लगे बाप जी क्या बताऊं, इसका राज बड़ा जोरदार है, ना पूछो तो ही ठीक है। अब मैंने कहा सब लोग जानना चाहते हैं तो बता दो ना, दिक्कत क्या है। तो उन्होंने कहा बाप जी सच्चाई ये है, हमारे घर में हमेशा हंसने का ही काम होता है, कभी रोने का काम होता ही नहीं है। मैंने कहा मतलब कैसा, मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। जिनकी पत्नियां गुस्सैल होती है वे पति बड़े किस्मत वाले होते हैं। कोई है आप में जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है, हाथ खड़ा करो। तो मैंने इतने डरपोक देश में कहीं नहीं देखे लोग जितने बेंगलोर में है? यूं मतलब दूसरा हाथ पकड़ रखा है कि ऊपर चला ना जाए भूल से। तो ये सब यहां पर देवियां बैठी है क्या? तो उन्होंने कहा साहब मेरी पत्नी, मैंने कहा जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है ना वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं, और किस्मत वाले इस मायने में होते हैं उनको संत बनने की जरूरत नहीं होती है। गुस्सैल पत्नी के साथ जीना, इससे बड़ा तो संत जीवन भी नहीं होता है, ठीक है ना? उसके साथ जिंदगी काटना और वो 60 साल निकालना और वो 50 साल निकालना, सच्ची कहता हूं मेरे भाइयों ये संत जीवन ज्यादा सो रहा है। साल में एक बार तो लोच होती है, वहां तो दिन भर लोच चलती रहती है, और यहां एक बार कर लो दो बार कर लो खींच तान के 3 बार उतार लो, और वहां तो रोज लोच चलती रहती है। तो उन्होंने कहा साहब मेरी पत्नी बहुत भयंकर गुस्सैल है। मैंने कहा गुस्सैल है तो इसमें हंसने की क्या बात है? अरे साहब बाप जी अब आपसे क्या छिपाऊं, घर की बात, पर आप किसी को कहना मत। अब मैं आपको कहूं कि नहीं कह दूं? तो उन्होंने राज बताया हंसी का, और राज इतना सा था, मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है, जब भी गुस्सा आता है जो चीज हाथ में होती है उठाती है और सीधी मुझ पर
फेंकती है, कभी चकला, कभी बेलन, कभी चम्मच, कभी कुर्सी। अरे महाराज, एक बार तो उसने तवा का तवा आने दिया, एक बार तो तवे का तवा पूरा। अरे मैंने कहा बेवकूफ, ये तो बताओ यार कि इसमें हंसने की क्या बात है, मुझे बुद्धू बना रहे हो क्या? आप कहते हो पत्नी बहुत गुस्सेल है और जो आता है हाथ में उठा के, अरे महाराज क्या बताऊं, दिन भर गुस्सा आती उठाई जो हाथ में सीधी मुझ पर। तो मैंने कहा इसमें हंसी का राज क्या है? कहा गुरुदेव, अब आपसे क्या छिपाना, घर की बात, यही हमारी जिंदगी की हंसी का राज है कि जब भी उसे गुस्सा आए वो उठा के हर चीज मुझ पर फेंकती है। जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है और जब निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं, हंसते रहते हैं। लगेंगे निशाने तो आपके घरों में भी, पर उस निशाने को भी हंसी में तब्दील कर लेना। जिंदगी को विषाद मत बनाओ, क्या बनाओ, क्या बनाओ, क्या बनाओ, बोलो 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 बोलो, प्रसाद बना लो। और प्रसाद बना लो तो वो अगर गुस्सेल आदमी के साथ भी रहने का जिंदगी में मौका पड़ गया तो उसको भी मुस्कुरा कर जी लो। माथा फोड़ी लैस जिंदगी, किससे लैस? माथा फोड़ी का मतलब समझते हैं, शुद्ध मारवाड़ी रो समझ दो, कोई है माथा फोड़ी लैस, छाती कुटा लैस, सिरपच्ची लैस, मस्त रहो मस्त, लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती। जीवन जीने की कला का जो दूसरा मंत्र मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं वो है, जिंदगी कई बार इसलिए भार भूत बन जाती है कि हम अपनी यादों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजों को भूलने की आदत डाल लीजिए, अच्छे के लिए कह रहा हूं। कभी किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, नंबर एक उसे भूलने की आदत में डाल दीजिए। कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया। मेरे भाई, छोटी मोटी बात हुई, आप अपने दिमागों को इतना भारी कर लेते हैं, इतना बोझिल कर लेते हैं, इतना सिरपच्ची वाला बना लेते हैं कि आपके लिए आपकी जिंदगी भार भूत बन जाती है। जीवन को बहुत सहजता से जी लो, जीवन को बहुत आनंद से जी लो, जीवन को बहुत मिठास से जी लो, जीवन को बहुत ऊर्जा से भर के जी लो, जीवन को बहुत माधुर्य से जी लो। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, सब गालो ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, आनंद ले लो, हाथ खोल लो। जीवन कितना सुंदर है, सब बोलो, जीवन कितना सुंदर है, कोई भी चुप नहीं रहेगा, ये जीवन की गीता है, सब व्यक्ति गुनगुना लो संगीत धीमे। जीवन कितना सुंदर है, चलता फिरता मंदिर है, जीवन कितना सुंदर है, ये चलता फिरता मंदिर है, इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान, इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान। जीवन कितना सुंदर है, चलता फिरता मंदिर है, इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्ण करें, जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्ण करें, जीवन को हम इंद्रधनुष सा, जीवन को हम इंद्रधनुष सा सुंदर सरस बनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए
होश भरे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी कीमती पंक्तियां हैं। मान लोगे इस हीरे का मोल तो वो जौहरी की तरह मूल्यांकन कर लोगे। जीवन में हम जोश भरें और अपने सपने पूर्ण करें। जीवन में हम जोश भरें और अपने सपने पूर्ण करें। साथ मिले तो ले सबका, पर नहीं मिले तो गम किसका। साथ मिले तो ले सबका, पर नहीं मिले तो गम किसका। अर्जुन में बेहद दम है, पर एकलव्य भी कहाँ कम है। अर्जुन में बेहद दम है, पर एकलव्य भी कहाँ कम है। हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर, हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर, सोया भाग्य जगाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए संघर्षों से डरे नहीं। बहुत कीमती पंक्तियां हैं, बड़ी कीमती पंक्तियां हैं, राम बाण दवा की तरह। संघर्षों से डरे नहीं, बोलो संघर्षों से, और बिना मौत के मरे नहीं। संघर्षों से डरे नहीं, हम बिना मौत के मरे नहीं। खुद को बूढ़ा क्यों समझें, खुद को अपाहिज क्यों समझें। खुद को बूढ़ा क्यों समझें, खुद को अपाहिज क्यों समझें। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगा कर सोया भाग्य जगाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, जीत के गीत बुलाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। नंबर एक, जीवन को प्रसाद बनाइए। बोलिए, जीवन को विषाद मत बनाइए। तो आज से मुरझाना बंद, मुस्कुराना शुरू। नंबर दो, जीवन में जो कड़वी बातें हो जाए प्लीज उन्हें भूलने की आदत डालिए। जीवन में कड़वाहट किसकी जिंदगी में नहीं आती। जीवन में अशुभ योग किसकी जिंदगी में नहीं आते। जीवन में विपरीत वातावरण किसकी जिंदगी में नहीं बनता। जरा एक बात बताओ, अरे अपने साथ तो हुआ ही क्या, एक बार कल्पना करो। सीता कौन थी बोलो तो? लक्ष्मी का अवतार। सीता कौन थी? रघुकुल की महारानी। सीता कौन थी? जनक नंदिनी। सीता कौन थी? भगवान की पत्नी। अब जरा कल्पना करो तो, पैदा होने के लिए रामायण कहती है उन्हें मां की कोख न मिली, जमीन को फाड़ कर आना पड़ा। शादी हुई तो खुशियों का बैंड भी न बजा कि परशुराम बैंड बजाने पहुंच गए। शादी करके अपने ससुराल 4 दिन सुख से न जी कि मंथरा और कैकेयी प्रकट हो गई। पति का साथ निभाने के लिए जंगल में गई तो रावण प्रकट हो गया। रावण के चंगुल से निकल कर आई तो अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि परीक्षा में निकल कर आई तो धोबी प्रकट हो गया। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सब लोग। हर भाई हर बहन अपनी जिंदगी को एक बार तोल लो कि अगर मुसीबतें जिसे हम जिंदगी में कहते हैं, अरे हमारी जिंदगी में मुसीबतें आई क्या है। हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने सीता की जिंदगी में जो मुसीबतें आई उसका 1% भी मुसीबतें जिंदगी में झेली। हम में से कोई पुरुष दावा नहीं कर सकता कि जितनी साधना में तकलीफें भगवान महावीर ने उठाई उसका 1000वां हिस्सा भी हम में से किसी ने नहीं झेला, किसी ने नहीं झेला। पर जरा देखो तो सही, मां की कोख नहीं, परशुराम आ गया, कैकेयी प्रकट हो गई, रावण प्रकट हो गया, अग्नि प्रकट हो गई, धोबी प्रकट हो गया, सीता को फिर वनवास जाना पड़ा, रघुकुल की महारानी को, भगवान की पत्नी को, लक्ष्मी के अवतार को, अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। हमारी हालत उससे
बोलो, अच्छी, शाबाश, बहुत अच्छी। हम में से हर महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा सीता के साथ हुआ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी सीता के मन में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान थी और अंतर मन में औरों के प्रति पवित्र भावना थी। मैंने इसलिए कहा, जीवन में बुरा वक्त तो कभी भी किसी के साथ जीवन में आ सकता है, लेकिन बुरा वक्त आने के बाद भी जब वक्त बीत गया, हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, उसने आपकी जमीन दबा ली, नो प्रॉब्लम, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। किस बात को लेकर मन में विषाद कर रहे हो और किस बात को लेकर मन में पीड़ा कर रहे हो? आपने 5 लाख किसी को दिए थे ये सोचकर कि बुढ़ापे में 5,000 रुपया महीना आता रहेगा तो पति पत्नी दोनों सुख से रोटी खाते रहेंगे। मेरे भाई, नियत को बिगड़ते कोई वक्त नहीं लगता। बड़े बड़ों की नियत बिगड़ जाती है और सामने वाले ने आपके 5 लाख दबा लिए, चिंता मत करो, ऊपर वाले की व्यवस्था बड़ी गजब की होती है, वो 99 द्वार बंद करता है, तब भी जिंदगी में एक द्वार जरूर 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 खुला रखता है। 99 बंद द्वारों को देखना, इसका नाम है विषाद, और खुले एक द्वार की तलाश करना, इसका नाम है जीवन का प्रसाद। भूल जाओ किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, कब तक उसकी गांठ मन में बांधे रखेंगे? किसी ने आपके 2 लाख डुबो दिए, अरे रुपये गए सो गए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी नींद और चली गई, आपकी शांति और चली गई, आपकी मुस्कान और चली गई, आपके सुख की रोटी हाथ से चली गई। रुपये गए सो गए, जाए भाड़ में, अरे सबके रुपये जाने ही हैं। आदमी जन्म लेता है ना तो लंगोट माँ पहनाती, उसमें जेब नहीं होता, होता है क्या? और आदमी मरता है ना तो घर वाले कफन उड़ाते हैं, कफन में जेब नहीं होता। पर आदमी कितना मूर्ख होता है, जन्मने पर लंगोट में जेब नहीं, मरने पर कफन में जेब नहीं, और जिंदगी भर जेब 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 भरने में ही लगा रह जाता है। सबको छोड़ना है, सबको जाना है, छूट गया सो छूट गया, चला गया सो चला गया। जीवन का मंत्र याद रखो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। तीसरा मंत्र, जीवन जीने की कला, अपना हौसला हमेशा बुलंद रखो। बूढ़े हो जाओ पर खुद को बूढ़ा मत समझो। बूढ़ा होना बुरा नहीं है, पर खुद को बूढ़ा समझ लेना ये आदमी के बुरा बन जाता है। ऊर्जा से भरे रहो, जब तक जिएंगे। आदमी को जिंदगी में केवल एक दिन के लिए बूढ़ा बनना चाहिए, तब जब लगे अब कल ऊपर जाने वाला हूं, बस। उससे पहले बूढ़ा बनने की जरूरत नहीं, उससे पहले बूढ़ा बनने की जरूरत नहीं है। जीवन का मंत्र बदा लो और वो है, अपने हौसले हमेशा बुलंद रखो, अपने आप को कभी हिम्मत ना हारिए, अपनी जिंदगी में हर हालत में विश्वास रखिए, ईश्वर आपके साथ है। हर हालत में इस बात का विश्वास रखिए, ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है। इसलिए जीवन में कभी हौसले मत हारो, हिम्मत मत हारो। हार गया कोई बात नहीं, एक बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, 4 बार हारा, कोई बात नहीं, विश्वास रखो, जिंदगी कुछ भी नहीं है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, बस। क्या है जिंदगी, क्या है आपको पता है? जिन कुशल श्री दादा बाड़ी ट्रस्ट वाले हमें बेंगलोर लाने में कैसे सफल हो गए, लोग तो 10-10 साल से 20-20 साल से लगे हुए थे, बाबजी दक्षिण भारत आओ, बाबजी दक्षिण भारत आओ, मान लो तो हार है। हम इसलिए ना आ पाए क्योंकि लोगों ने मान लिया कि हम नहीं आएंगे, पर इन्होंने ठान लिया कि हम लाकर रहेंगे तो जीत हो गए। अब तक लोग मानते रहे कि नहीं आते हैं, गुरुजी तो हमेशा ना कहते, हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे, मान ली तो वो सफल ना हो पाए, इन्होंने माना नहीं, क्या किया, ठान लिया। मत करो नाटक, चुपचाप चलो कर्नाटक, ठीक है ना, मत करो कोई भी नाटक, चुपचाप चलो कर्नाटक, और वो ठान लिया ना तो आज हम इधर बैठे हैं। मैं जिंदगी के लिए मंत्र देना चाहता हूं, जिंदगी कुछ नहीं है, मान लो तो, बोलो बोलो मान लो तो, बोलो बोलो मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अरे बड़ी गजब की जिंदगी है जब आदमी मान लेता है ना, हताश निराश अदास,
भगवान मुझसे नाराज है, ईश्वर मुझसे नाराज है, किस्मत मेरी खराब है, नसीब मेरे टेढ़े हैं, भाग्य मेरा साथ नहीं देता। हर कमजोरी उसकी जिंदगी में आती है जब आदमी मान लेता है, और जब वो ठान लेता है तब फैसला आता है, ईश्वर मेरे साथ है, किस्मत मेरे साथ है, भाग्य मेरे साथ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अरे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो मन्ना भाई, लगन से लगे रहो, परिणाम तक पहुंच जाओगे। केवल लगे रहो। जो इंसान लगा रहा ना, लगा रहा ना, लगा रहा, और आदमी अगर लगा रहेगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बैठे ठाले जिंदगी में कभी किसी चीज का परिणाम नहीं मिला करता। ध्यान रखना, जीवन जीने की कला का तीसरा पाठ पढ़ा रहा हूं, बैठे ठाले, यूं ही बैठे बैठे किसी भी इंसान को जिंदगी का परिणाम नहीं मिलता। आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, आदमी को लगना पड़ता है। अगर आदमी बैठे ठाले सोचेगा ना, एक आदमी भगवान के मंदिर में बैठा, हे भगवान, 3 दिन तक उपवास किया, भगवान जी प्रकट हुए, बोल, कहा भगवान ऐसा कर दो मेरे पांव के नीचे गाड़ी रहे और हाथ में रुपयों की थैली रहे, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पांव के नीचे क्या रहे? गाड़ी रहे, और हाथ में क्या रहे? रुपयों की थैली रे। भगवान ने कहा मुझसे मांगता है, मेहनत नहीं कर सकता, तू जवान है, हाथ है, पांव है, सब कुछ, तू युवा है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, आगे बढ़, मेहनत कर, बढ़ेगा। और उसने कहा भगवान मुझसे काम दाम नहीं होता, मुझसे मेहनत मेहनत नहीं होती, आप तो बस आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद की बदौलत मिल जाएगा। मेरे हाथों में रुपयों की थैली रहे और पांव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे। भगवान ने कहा जा रे जा, तथास्तु। और भगवान का आशीर्वाद फल गया। अगले दिन वो बेंगलोर की सिटी बस का कंडक्टर बन गया, पांव के नीचे गाड़ी और हाथ में रुपयों की थैली आ गई। मान लो, मान लो, मान लो हार है, ठान लो जीत है। जिंदगी इतनी सी है। मैं बताऊं, जिस मैदान में अपन बैठे ना, आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, ये लाभचंद जी है ना, इन्होंने कम से कम 10 चक्कर काटे होंगे ना। कितने चक्कर काटे? इतने फेरे तो आपने शादी में भी नहीं खाए थे जितने यहां के लिए खा लिए ना। पर विश्वास रखना, मान के बैठ जाते तो हम बेंगलोर आ ही नहीं पाते कि बाप जी मैदान नहीं मिल रहा है। पर ठान लिया था ना इन लोगों ने, बुलाना है, बुलाना है, बुलाना है, बुलाना है, एक नहीं 1000 चक्कर काट के भी जगह बुक कर लेंगे, परिणाम तक पहुंच गई। हौसले अपने बुलंद रखो, मान लो, बोल लो मान लो तो हार है, बोल लो मान लो तो, और ठान लो तो, दोबारा बोलोगे, मान लो और ठान लो तो हाथ है क्या, फौलादी बनाओ, ठान लो तो, ठान लो तो, बस हार और जीत में इतना सा फर्क है, मान लिया तो हार हो गई और ठान लिया तो जीत हो गई। और आज का जो अंतिम मंत्र आप लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूं, जिंदगी को बहुत आनंद और मिठास से भरने के लिए, वो अंतिम मंत्र है, अपने जीवन में एक आदत डाल लो, और वो है हमेशा मुस्कुराने की आदत। किसकी आदत? किसकी आदत? बोल लो तो, एक बार पहले मुस्कुराओ तो। आपको पता है दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा वो नहीं होता जो गोरा घट्ट होता है, और वो सबसे बुरा चेहरा नहीं होता जो काला ढुस होता है। दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा होता है जो मुस्कुरा रहा होता है, और दुनिया का सबसे बूंदा चेहरा होता है जो लटका हुआ होता है। कई बार प्रवचन में अन्य जगहों जाता हूं ना, लोग ऐसे बैठते हैं प्रवचन में, कई बार जी करता है नाड़ी टटोल को देखूं, ये है कि ऊपर गई। लटक के जिंदगी मत जियो, जिंदगी कभी भी, महासा कुर्सी वाले माता जी 80 साल के हो गए ना, तो भी लटक के मत जियो जिंदगी। अभी भी कभी कभी रोटी बेल लिया करो, कभी कभी रोटी में घी लगा लिया करो, कभी कभी तवे पे रोटी फुला लिया करो। जिंदगी को हमेशा चार्ज रखो, मोबाइल भले डिस्चार्ज हो पर हमारी जिंदगी हमेशा चार्ज। आदत डालो हमेशा, अंतिम सूत्र क्या है, हमेशा मुस्कुराने की आदत। हंसते खिलते मुस्कुराते हुए इंसान अगर अपनी जिंदगी जीता है। सासू माँ ने देर टेढ़े से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बड़े हैं अब आप नहीं। देखो मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर आप मुस्कान के साथ घर में जीना शुरू कर देंगे ना, वही मकान, वही छत, वही आंगन, वही किचन, वही बेडरूम, वही सब कुछ, अचानक आप फर्क पाएंगे। ये जब प्रवचन वाला 50 दिन की पूरी हो जाएगी ना, आप देखेंगे सब कुछ वही वही, कपड़े लत्ते पेटी मकान पति पत्नी सब वही, पर फिर भी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा अंतर की चेतना बदल जाएगी।
हमारे भीतर की चेतना बदल जाएगी। और जैसे आप आज भी अगर घर जाकर अपने जीवन के साथ जोड़ देंगे ना, और वो है क्या आदत, मुस्कुराने की आदत। क्या आदत? हम लोगों को बहुत बड़ी कब्जी है, बहुत बड़ी कब्जी है, और वो वाली कब्जी नहीं जिसके लिए कायम चूर्ण लेते हैं, वो वाली कब्जी कि जब तक तो कोई चुटकले का प्रेशर ना आए तब तक तो हंसी आती ही नहीं है, हमको मुस्कान आती नहीं है, बस चुपचाप यूं बैठे हैं। अरे भाई अकेले में भी बैठे हो ना। मैं पता है जब भी मैं सड़क पर चल रहा होता हूं ना और कभी गधे को मुस्कुराते हुए देखता हूं ना, किसको, गधे को हिनहिनाते देखता हूं, तो मुझे लगता है अभी आदमी बनने वाला है। सड़क पर चलते हुए किसी गधे को भी अगर मुस्कुराते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है अभी आदमी बनने वाला है। अब आगे मैं बोलूंगी आप समझ गए, और किसी आदमी को लटके हुए देखूं, बस हम ठहरे थे एक गांव में, जाते जाते दिन भर की हंसी लेते जाइए और दिन भर की मुस्कान लेते जाइए। हम ठहरे थे किसी गांव में, सुबह सुबह दादाजी एक हमारे उपाश्रय के आगे से गुजरे। हम एक थानक में ठहरे हुए थे, थानक के आगे से दादाजी गुजरे, बूढ़े दादाजी। तो मैंने देखा उन्होंने बिल्कुल पुराने पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो अपन होली में पहनते हैं ना, मारवाड़ में होली के कपड़े अलग से होते हैं मारवाड़ में, है ना, वो होली पे फिर निकलते हैं दुधवा के अंदर वापस, या इंजरी करते हैं ये फटे हुए कपड़े होली में पहनेंगे। तो पुराने पुराने कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक पुराना पुराना थैला लेके जा रहे थे। मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी माजरा क्या है, कल आप प्रवचन में आए थे, आगे आगे बैठे थे, बिल्कुल नए अबोट कपड़े थे, हैं चकाचक चोला पजामा सब पहना हुआ था और चकाचक दिख रहे थे, अब ये पुराने पुराने कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो। कहने लगे अंधाता आपको क्या बताऊं, सब्जी खरीदने जा रहा हूं, सब्जी। तो मैंने कहा दादाजी ये सब्जी खरीदने के लिए पुराने पुराने कपड़े पहनकर जाने की कहां जरूरत है। कहने लगे बाप जी आप तो 10 साल में महाराज बन गए, आपको क्या खबर दुनिया की, ये सब्जी बेचने वाली मालिने होती है ना, ये बहुत होशियार होती है, नए कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत महंगी देती है और पुराने कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत सस्ती देती है, नए कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी महंगी देती है, पुराने कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी सस्ती देती है। मैंने कहा दादाजी हाथ में कटोरा लेके जाओ तो सब्जियां फ्री में ही मिल जाया करती।